लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। देवास जिले में खुले बोर 35 घंटे बाद निकला 4 साल का रोशन पूरी तरह से हेल्थी है। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां सोमवार को लोगों ने उसके पसंदीदा खिलौना ट्रैक्टर गिफ्ट किया। इससे वह दिन भर खेलता मुस्कुराता रहा। कुछ दिनों में उसकी छुट्टी हो जाएगी। अस्पताल में रोशन की एक झलक पाने और मिलने के लिए हॉस्पिटल में भीड़ लगी रही। वहीं लोगों ने उसके साथ सेल्फी खिंचवाई, गिफ्ट देकर लंबी उम्र की प्रार्थना की। सोमवार सुबह से ही खाते गांव अस्पताल में रोशन से मिलने लोग उमड़ने लगे। दोपहर तक 400 से ज्यादा लोग आ चुके थे। महिलाओं ने सलाह दी कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि कहीं रोशन को नजर न जाए। इस पर माँ ने तुरंत उसकी आँखों में काजल लगाया। माँ ने बताया, खेत पर चने बीनने गई थी, साथ में 3-4 महिलाएं साथ थीं। पति अन्य जगह मजदूरी पर गए हुए थे। मैंने 3 बच्चों को खेत के पास पेड़ के नीचे खेलने के लिए छोड़ा था। यह खेलते खेलते पता चला भैया रोशन गड्ढे में गिर गया। मैंने और साथी महिलाओं ने हमारे पास जो रस्सी डाली और अंदर पहुंचाने की कोशिश की, पर हम सफल नहीं हुए। तब रोशन के पापा को बुलवाकर बताया, गाँव में जानकारी दी। दोपहर 12 बजे बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी आ गए और मुझे वहां से अलग जगह रहने का कह दिया। तब गांव वालों ने ही मुझे समझाया कि जब ऐसी घटना होती है तो सरकारी लोग आकर बचाते हैं।